खबर सुहासरा से। पेट्रोल डीजल गैस सहित महंगाई को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुहासरा ने हाथ में बाइक लेकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुहासरा के द्वारा शुक्रवार 12 बजे देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल सहित गैस की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ मूल्य वृद्धि के खिलाफ आज सुहासरा स्थित पेट्रोल पंप पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा हाथों में बाइक लेकर पहुंचे तथा पेट्रोल डीजल सहित बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं बताया है, एक तो कोरोना संक्रमण के कारण काम धंधे पर असर पड़ा है, जिससे आम व्यक्ति की कमर तोड़ दी गई है। केंद्र सरकार से मांग की गई है कि कोरोना काल में राहत दी जाए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के विरोध प्रदर्शन में क्षेत्र के कांग्रेसी नेता शामिल हुए। सुहासरा से संजय चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश में हमारी राष्ट्रीय नेत्री सोनिया गांधी जी और प्रदेश में कमलनाथ जी ने जो महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस से आह्वान किया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर के लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जो कोरोना काल था, इस कोरोना काल में गरीब मजदूर, व्यापारी, पढ़े लिखे नौजवानों को जिनको राहत देनी थी, पर उन्होंने राहत के बजाय उनको भारी महंगाई दी और महंगाई भी एक एक करके इतनी बढ़ा दी गई कि सारी चीज़ें उन लोगों से दूर हो गई। तो इन सारी चीज़ों को आज कांग्रेस सरकार ने बरोबर सजा के रखा था ताकि वो गरीब व्यक्ति के पास तक पहुंच सके, पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज दाल, तेल सब गरीब को, किसान मजदूरों से दूर पहुंच गई है। तो इसी को लेकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने आह्वान किया था कि महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करे कांग्रेस, तो हमारे इस कांग्रेस के सारे मोर्चा प्रकोष्ठ सफलतापूर्वक इस आंदोलन को।